ओके जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त मटर। और मैंने सोचा आज आलू गोश्त मटर बना लेते हैं, क्योंकि हमेशा तो चिकन ही बनाते हैं। मैंने पानी देके बॉईल करना रख दिया है और मैंने गोश्त भी वॉश कर लिया है, और मैंने इसको नमक लगा के वॉश किया है। देखिए ये कितना साफ़ हो गया। बच्चे मेरे अभी ट्यूशन है, ट्यूशन से आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगी। और ये देखिए मैंने प्याज काटा है बिल्कुल बारीक, और साथ ही बॉईल करने के साथ ही मैं प्याज भी डाल दूंगी। और अभी हम बनाएंगे मसाला। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग गए हुए थे ट्यूशन 3:30 बजे के, क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे हैं, तो इसलिए 3:30 बजे के गए, 6 बजे आए। और अभी मेरी मामा लाई है ये, ना सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ना मज़ेदार है। और जैन के शूज़ लाई हैं, और जैन की छोटी छोटी इतनी इतनी मतलब इतनी भी छोटी नहीं गाड़ी, ये 6 हैं, 2 ब्लू हैं, 2 ऑरेंज हैं और 2 रेड हैं। और मेरी मामा आज बनाने लगी हैं आलू मटर और चिक गोभी गोभी यार गोश गोश। ये हमारा आलू मटर और गोश का सालन बन गया। भून रहे हो तो ये तो लग रहा है कि पक गए। मम्मा चीटे अभी। और ये हमारा खाना है, और ये हमने फ्राइज मंगवाए हैं। ये बिल्कुल सादा है। एक प्लेट लेके दोनों मिक्स कर लेते हैं। तब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। हम जा रहे हैं अपने नानों के घर, और रात के बज रहे हैं 9, मतलब टाइम तो थोड़ा कम ही है। और सुबह तो हमारा ऑफ है, क्योंकि पेपर्स में एक दिन जाना है एक दिन ऑफ है, क्योंकि पेपर्स क्लास के जीवन से लेकर ना क्लास 9 तक ऑफ ही ऑफ है, मतलब एक दिन जाना है एक दिन ऑफ, एक दिन जाना है एक दिन ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत लॉन्ग है। और ज़्यादा याद किया है, आधा भी कल याद करेंगे, उसके बाद फिर पेपर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय।